अगर आपके पास भी है गूगल टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी और उसमें आपको बहुत से एड्स आते हैं, यूट्यूब पे बहुत से एड्स आते हैं, आपकी पसंद के भी एड्स आते हैं और आपको जो नहीं पसंद है वो भी एड्स आते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक सेटिंग्स होती है हर स्मार्ट टीवी में कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी को आप रीसेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ पर हम क्या कैसे करें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने रिमोट की मदद से आप अपने टीवी के सेटिंग्स में आ जाएं, यहाँ पर सेटिंग्स पे ओके कर लें और इसके बाद नीचे आते जाएं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रिवेसी, तो इस पे आप कर लें ओके। अब यहाँ पर आपको नीचे आने पर दिखाई देगा एड्स, इस पे कर लें ओके। और यहां पर है सबसे पहले रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, तो जो भी ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर यूट्यूब ले लेता हूं। यूट्यूब आप जब देखते हैं तो आपको बहुत सारे एड्स आते होंगे, चाहे आप टीवी में देख रहे हो चाहे कहीं पर भी देख रहे हो, ठीक है, तो एड्स आते होंगे। कभी कभी आप सोचते होंगे कि जो चीजें आपको पसंद है वही चीजों के एड्स आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं, तो जो भी चीज, जो भी जिस टाइप की वीडियोस आप देखते हैं, गूगल का ये एड सिस्टम उस चीज को सेव करते जाता है और आपको उन्हीं तरीके की एडवर्टाइज दिखाता है, एड्स दिखाता है। तो आप जैसे ही रीसेंट एडवर्टाइज आईडी पे ओके कर देंगे और कंफर्म कर देंगे यहाँ पे, तो अभी तक जितना भी आपका एड्स का डेटा यूट्यूब ने, गूगल ने लिया होगा वो रीसेट हो जाएगा। और अगर अपनी अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी आप डिलीट कर देंगे तो उसके पास कुछ भी आपकी एडवर्टाइजिंग आईडी नहीं बचेगी और सारी आपकी जो भी पसंद की चीजें थी, यानी आपने जो जो वीडियो पसंद की देखी थी उसके हिसाब से जो भी आपकी पर्सनलाइज एड्स थी वो भी सब यहां से गायब हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।